गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा किसी स्त्री को किसी नारी को किसी कन्या के प्रति स्त्री के प्रति नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा रजो धर्म धारण करने वाली नारी रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा किसी के यहाँ सूतक जानते हो या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ तुम्हें मालूम नहीं था उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो पांचवे नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि पांचवा पाप इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। छठे नंबर का वर्णन आया किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपने अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन छठे नंबर का। सातवें नंबर का झाड़ू लगाते समय पुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला जाता है। आठवें नंबर का जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हो और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए उस दोष को समाप्त कर दे तो गंगा दशहरे का। नवे नंबर का बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई सामान ज्यादा आ गया मिक्सर 2 सेट आ गए डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस पीस के खाया खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है नवे नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो दो। दसवें नंबर का महाराज यदि किसी तीर्थ में जाता हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक ही दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिवजी को जल चढ़ाता है शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे खूब भजन करो दान
मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो।